पीपल, वेलकम टू अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब्स इन योर पॉकेट। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशंस को अलर्ट करने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। सो हमारा आज का टॉपिक है 3 C's ऑफ क्लियरिंग एन इंटरव्यू। सो द 3 C's जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, द नंबर 1 इज कॉन्फिडेंस, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा है कोर वैल्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ जो है कॉन्फिडेंस। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है, चाहे वो आपकी यूजुअल लाइफ हो, चाहे वो आपका ऑफिस सिनेरियो हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप 50% ऑफ द बैटल ऑलरेडी जीत चुके हैं। द कॉन्फिडेंस विद विच यू अप्रोच समबडी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी को अप्रोच करते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मान लीजिए आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं और आप बिल्कुल ड्राउजी पोजीशन में या पोस्चर में एंटर कर रहे हैं, सो जो आपको इंटरव्यू करने वाला है उसको ऑलरेडी पता चल जाता है कि आप नर्वस हैं और वहाँ पे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन खराब होता है। लेकिन उसी जगह अगर आप ब्रॉड शोल्डर, चेस्ट आउट, चिन अप के साथ उस रूम में एंटर करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, मतलब आप कोई ऐसा इंसान है जिसको अपनी एबिलिटीज का पूरा ज्ञान है। बॉडी पॉस्चर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आई कॉन्टैक्ट। अगर मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ और मैं इधर उधर हर जगह देखूँ तो आपको पता रहेगा कि या तो मुझे डर लग रहा है या तो शायद मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ। एनीथिंग कैन गिव अवे माई फियर, राइट? यू विल गेट टू नो दैट आई एम स्केर्ड। तो ये नहीं बताना होता है आपको अपने इंटरव्यूअर को कि आप डरे हुए हैं। तो कोशिश करिए कि आप थ्रू आउट एक स्मूथ और पोलाइट आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए और सामने वाले को ये बताने के लिए कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, एक प्यारी स्माइल जरूरी है। सो मेंटेन अ नाइस चार्मिंग स्माइल ऑन योर फेस। आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। हमारा सेकेंड पॉइंट था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते या उनके कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हैं। सबसे पहली चीज़, कम्युनिकेशन एक कला है, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है। सो फर्स्ट वर्क ऑन डेवलपिंग द आर्ट, पहले अपनी कला पे काम करिए। अपनी मदर टंग में अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर ले रहे हैं तो फिर जैसे आपने अपनी मदर टंग को लर्न किया है, इंग्लिश भी वैसे ही एक लैंग्वेज है और आप उसको आराम से लर्न कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होता है, वो नॉन वर्बल भी होता है। एक इंसान आपको दूर से देख के कई बार समझ सकता है कि आप खुश हैं, आप परेशान हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं या आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आती हैं। अब हम अपने फाइनल पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो है कोर वैल्यूज़। तो कोर वैल्यूज़ बताने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, जब कोई कंपनी आपको हायर कर रही होती है तो क्या वो आपके साथ सिंपथाइज कर रही होती है या वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट ढूंढ रही होती है? ऑफ कोर्स आई नो यू आल्सो नो द आंसर कि ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर कैंडिडेट चाहिए होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस कैंडिडेट की कोर वैल्यूज। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कोर वैल्यूज। अब मैं आपको बताऊं कि कोर वैल्यूज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्क एथिक्स, कि आप अपने कलीग्स के साथ कैसे हैं, आप काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं, हाउ प्रोएक्टिव आर यू, मतलब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें आप खुद आगे बढ़ के कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। और इसके बाद आता है फाइनल क्वालिटी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके या प्रॉपर कैंडिडेट के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहती है और वो होता है कंपैटिबिलिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एनवायरनमेंट होता है, एक अपनी वाइब होती है और जब वो किसी को इंटरव्यू करते हैं तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये कैंडिडेट हमारी वाइब के साथ जेल अप हो पाएगा या नहीं। और जब आप इन तीनों सीज को प्रॉपरली डिलीवर करते हैं तभी बेसिकली आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 3 C's का डिस्कशन। अब अगर आपके पास कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो भूलिएगा मत अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं खुद उन्हें आंसर करूंगी और बहुत जल्द वापस आऊंगी आपके सामने एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।